8 मिनट बोलने का समय दिया उसके लिए, साथ ही चला लेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों का भाषण सुन रहा हूं सुबह से। कोई कह रहा है कि वहां बांध बढ़ाओ, तो कोई कह रहा है कि वहां नहर लाओ, तो कोई कह रहा है कि वहां तालाब खोदो, तो कोई कह रहा है जिस क्षेत्र से हम लोग आ रहे हैं उसमें जमीन का पानी भी नहीं था। लोगों ने गर्मियों के दिनों में सुबह नई नई बेरियां खोद करके और थोड़े थोड़े कटोरी से ले ले करके पानी पी करके उन्होंने उनका जीवन यापन किया है। हम सब, ये पानी आएगा कहां से? पानी का स्रोत प्रकृतिक है, भगवान है, इंद्र महाराज है, और इंद्र महाराज को खुश करने के लिए हम कुछ कर नहीं रहे हैं। सब अपने अपने भाषण ठोक रहे हैं, पर्यावरण के बारे में हम कुछ सोच नहीं रहे हैं। पानी कौन देगा आपको? आप डैम बना लोगे, आप नहरें बना लोगे, आप डिस्ट्रीब्यूटरीज बना दोगे, आप पंप लगा दोगे, लेकिन जल कहां से लाओगे? इसलिए मेरा आप सभी से ये विनम्र अनुरोध है कि हम लोग सब पर्यावरण के प्रति सब जागरूक हो और हमारी जनता को भी जागरूक करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा आज हमारी सरकार, मोदी जी हो, हमारे भजनलाल जी हो, के पिछले गहलोत साहब हो, सारी सरकारें अपने अपने स्तर से प्रयास करती है पेड़ लगाने का, लेकिन असलियत पेड़ के आंकड़े आपके पास है तो देख लो। आज दिन तक राजस्थान में कितने करोड़ पेड़ लगाए और कितने करोड़ पेड़ अभी जिंदा है, ये आंकड़ा अगर आप देख लो तो 1,00,000 पेड़ लगाए हैं, तो वहां मुश्किल से आज की तारीख में 50 पेड़ भी जिंदे नहीं होंगे। ये हकीकत धरातल की स्थिति है। अच्छा, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगा दिया, पेड़ को भी पानी चाहिए। वो कौन देगा उसको समय सर? सारी खाता पूर्ति कर करके लगा दो के आंकड़े दे करके पैसा ठोक के और सब दुख अपने अपने मार्ग जाएंगे और फिर कहेंगे साहब उस समय तो मैं नहीं था, उस समय तो वो था, उस समय तो वो था। कोई जवाबदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए मेरा विनम्र अनुरोध है, हम सब लोग सर्वप्रथम जो पानी का स्रोत है, जिस वजह से हमारा पानी धरती पर ज्यादा से ज्यादा आवे, उस कार्य को करने में हम अपना दिमाग खपाए। अध्यक्ष महोदय, मेरे सर ये तो अभी शुरू है। बोलो बोलो बोलो, मेरे बोलना है सभापति महोदय, तो मैं बैठ जाता हूँ। आज ही बोलने खड़े हैं सर, मैं तो बहुत कम बोलता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं तो जो ये हमारे मित्र बोलते हैं उनके साथ कभी कभी हल्की फुल्की हंसी मजाक कर लेता हूँ, बाकी बोलता ही नहीं हूँ, बहुत कम बोलता हूँ। 2008 में अध्यक्ष महोदय, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, सरदार पटेल ने जो सपना नर्मदा नहर का देखा था, वो हमारे गुजरात से पूरा होते होते 2008 में मेरे विधानसभा क्षेत्र सांचौर में नर्मदा का नीर का अवतरण हुआ। और मेरे वहां के, खाली मेरे तहसील के ही नहीं, मेरे पूरे जिले के लोगों ने उस पानी को पूजा करके और उसका स्वागत किया। उस नर्मदा में पिछले 5 साल से हमारे काश्तकारों को पानी नहीं मिल रहा था। अब ये हमारी भजनलाल जी की सरकार बनी और ये सरकार बनने के बाद इस सीजन में काश्तकारों को भरपूर पानी मिला, करोड़ों रुपये का जीरो की फसल हमारे वहां हुई। अध्यक्ष महोदय, ये स्थिति है। इसलिए मेरा निवेदन है, उस नर्मदा के पानी को जालौर और बाड़मेर जिले के दोनों गाँव, मतलब जिलों को, 1210 गाँवों को पीने का पानी देना है। 3 हमारी योजना जो है उसमें एक माननीय अशोक गहलोत साहब ने शुरू करी थी और उन्होंने ही उसको संपूर्ण किया, मैं धन्यवाद देता हूं। उसमें अभी तक पीने के पानी हमारे पूरे तहसील में हम लोग नहीं पहुंचा पाए हैं। नर्मदा का पानी जो काश्तकारों को हम देते हैं, उसमें हमारी नहरें इतनी लंबी है कि वहां तक टेल तक काश्तकार के खेत में पानी नहीं पहुंचता। इसलिए मेरी मांग है सरकार से कि एक सीलू से लेकर के बाकासर रोड तक एक अलग से वितरिका निकाली जाए, ताकि हमारे नहर क्षेत्र के काश्तकारों को भरपूर पानी मिले और हमारा काश्तकार समृद्ध हो। अध्यक्ष महोदय, विधानसभा क्षेत्र सांचौर के कुछ गांव सिंचाई में रह गए हैं। मेरा सरकार से निवेदन है कि उनको भी नर्मदा में जोड़कर उन काश्तकारों को भी उसका लाभ दिया जाए। एक छोटा सा 5 बांध है सभापति महोदय,
जो टूटने की वजह से सांचौर सिटी में हर साल बाढ़ का पानी आता है और हमारा शहर जलमग्न हो जाता है। माननीय गहलोत साहब सांचौर पदारत है, मैंने निवेदन किया दिया था, ज्ञापन भी दिया था, लेकिन उसको डीपीआर शायद बनाई या नहीं बनाई मुझे पता नहीं। मेरा वर्तमान सरकार से अनुरोध है कि वो छोटा सा बांध है अगर वो बन जाए, 1.5-2 करोड़ का खर्चा है, उसके बाद में सांचौर नगर के हमारे नगर वासियों को इस बाढ़ के पानी से कभी तकलीफ नहीं होगी, ये मेरा निवेदन है। अंत में एक इस सरकार के प्रति आप बातें कुछ भी कर लो, लेकिन हमारा जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी है उस व्यक्ति के नीत में खोट नहीं है, ये मैं गारंटी देता हूं साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री गणेश जी गोगरा, माइक की साइज ऊंची की जाए।